एक विश्वास को हमें पैदा करना है, हमारे भीतर एक भरोसे को हमें दृढ़ी करना है, एक विश्वास को दृढ़ी करना। फिर निवेदन है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। पार्वती मैया जब बाल्यावस्था की थी तब साधना में माता पार्वती जी डूबी रही। सप्तऋषियों ने जाकर समझाया माता पार्वती जी को कि शिव तुम्हें नहीं मिल सकते, भगवान शंकर तुम्हें नहीं मिल सकते। बहुत परीक्षा ली गई माता पार्वती जी की, बहुत। और पार्वती जी की बारंबार परीक्षा ली गई, बार बार परीक्षा ली गई, बार बार परीक्षा ली गई, पर माता पार्वती जी हिम्मत नहीं आ रही। पार्वती जी खुद को कमजोर नहीं समझी, उनको मालूम था कि अगर मैं शंकर को जप रही हूं, मैं शिव को भज रही हूं, मैं भगवान शंकर का गुणगान कर रही हूं, मैं शिव तत्व को जान रही हूं, तो ये पार्वती जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया था कि मुझे शिव मिलेंगे जरूर, मुझे ओगरदानी मिलेगा, मुझे मेरा महादेव मिलेगा। और ध्यान दें, शिव को पाने की ललकता आपके भीतर होना चाहिए। हम फिर निवेदन करेंगे कि अपने भीतर एक ऐसा तत्व, अपने भीतर ऐसा समर्पण, अपने भीतर भगवान की अविरल भक्ति को अपने भीतर ऐसा समाहित कर लो कि एक ना एक दिन ऐसा आए कि मेरा शिव तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे को दर्शन देकर जाए। इतना अपने आप में बल उत्पन्न कर दो। और हो सकता है, हम आपसे पूछें, अभी चीटा देखा है? चीटा बोलते हैं कि मकोड़ा बोलते हैं? यहां पे क्या बोलते हैं, चीटा की मकोड़ा? अर्जम के तो बोलो, चीटा ना। चीटा जब जन्म लेता है तो उसमें पंख रहते हैं क्या? जम के बोलो जरा, नहीं रहते। चीटा जब जन्म लेता है तो उसमें पंख नहीं रहते, पर चीटा अपने कर्म में लगा रहता है, अपने कार्य में लगा रहता है, और कर्म करता रहता है, कार्य करता रहता है, 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 धीरे 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 चीटे में पंख आ जाते हैं। देखे आप लोगों ने चीटे में पंख? चीटा जन्म लेता है जब उसमें पंख नहीं होते हैं, चीटे में पंख नहीं रहते हैं, पर चीटा अपना कर्म करता रहता है, कर्म करता रहता है, तो चीटे में पंख आ जाते हैं, चीटे में पंख उत्पन्न हो जाते हैं और वो चीटा भी उड़ने लगता है। जरा विचार करना, चीटा अपना कर्म करता रहता है तो एक दिन परमात्मा उसको भी पंख लगा देता है। और यदि आप अपने कर्म के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो वो परमात्मा आपको भी पंख लगाकर आगे बढ़ा दे, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। चीटे में पंख नहीं होते, पर धीरे धीरे वो कर्म करता गया, कर्म करता गया, करता गया, और उसमें पंख लग गए। कर्म करता गया और उसमें पंख आ गए, वो उड़ने लगा, वो आगे बढ़ने लगा। आप अपना कर्म करिए, जिस कर्म में आप लगे हुए हो प्रबलता से उसमें लगे रहिए, उसमें लगे। जिस कर्म को आप करना चाहते हो उसको कर्म को आप प्रबलता से करते रहिए, एक दिन मेरा परमात्मा भी आपको उड़ान देगा, एक दिन मेरा परमात्मा मेरा भोलेनाथ भी आपको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। आप कर्म के प्रति जागरूक तो रहो।
आप कर्म के प्रति जागरूक नहीं और सोचें कि हम बहुत कुछ कर लें, हम बहुत ऊंचे उड़ जाएं, हम बहुत आगे बढ़ जाएं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म प्रधान है, आपका कर्म पहले करना है। श्रीमद् भगवत कहती है, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, श्रीमद् भागवत कहती है, रामचरितमानस कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, ऐसी कोई पुराण नहीं जो कर्म की प्रधानता नहीं बताती। प्रत्येक पुराण कर्म प्रधान है और प्रत्येक पुराण कहती है कि आप अपने कर्म में जागरूक रहिए, आप अपने कर्म में प्रबलता बनाकर रखिए। हमारे बीच में माननीय पवन साय जी, भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, एवं माननीय नंदन जैन जी, भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन से आए हैं। आप दोनों पधारें व्यासपीठ का पूजन करने के लिए, पधारिए, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। एक चीटे में भी पंख खा सकते हैं, बस उसमें कर्म की लगनता होना चाहिए। एक अपनी कर्म की लगनता प्रबल होना चाहिए। और जब हमारे कर्म की लगनता प्रबल होगी तो हम अग्रणता की ओर बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। पर हम अपना कर्म पूरा नहीं कर पाते, हम उसको सोच लेते हैं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है। नहीं नहीं, शिव कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। हम क्यों कमजोर समझ,